आदरणीय ब्रह्मचारी सोनू जी और गुरुकुल के सभी छोटे छोटे ब्रह्मचारी और हमारे अन्य अधिकारीगण, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा विषय है गुरुकुल की शिक्षा का महत्व। बड़े बड़े विद्वान विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, परंतु वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर उतनी स्पष्टता से नहीं देते जितनी स्पष्टता के साथ उनको देना चाहिए। निरुक्तकार याचकाचार्य इस गंभीर प्रश्न का हल तीन अक्षरों के आचार्य शब्द में पाते हैं। आचार्य वह है जो शिष्य के को सदाचार ग्रहण कराए, उसमें शब्दों के अर्थ का संचय करे और उसकी बुद्धि को बढ़ाए। बस शिक्षा के यही तीन उद्देश्य होने चाहिए। नंबर एक, विद्यार्थियों के सदाचार का निर्माण किया जाए। नंबर दो, उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ का साक्षात्कार कराते हुए उसमें वस्तुओं का यथार्थ बोध संचित कर दिया जाए। और तीसरा, उसकी ईश्वरीय प्रदत्त बुद्धि को पूर्णतया विकसित किया जाए। यदि वर्तमान यूनिवर्सिटीज की शिक्षा पद्धति की ओर दृष्टि डालें तो उसमें हमें स्पष्ट रूप से ये विदित होता है कि सदाचार निर्माण, पदार्थ बोध और बुद्धि विकास, शिक्षा के इन तीन उद्देश्यों में प्रथम और अंतिम उद्देश्य को सर्वथा भुलाया हुआ है। सदाचार निर्माण तो शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से बहिष्कृत सी है, परंतु इसके साथ साथ पाठ प्रणाली की पत्रकला में से बिना किसी ननुनच के प्रत्येक विद्यार्थी को गुजारने से उनकी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का विकास भी नहीं हो पाता। होना तो यह चाहिए था कि जैसे सूर्योदय के होने पर सूर्य प्रकाश से रोग कृमि नष्ट हो जाते हैं, चोर चोरी से और यार यारी से विरत हो जाते हैं, मलिनता दूर हो जाती है और बंद कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्योदय के होने पर विद्या प्रकाश से काम क्रोध लोभ मोह आदि मूल दूर हों, पाप कृमि नष्ट हों और बुद्धि कमल का विकास हो। परंतु इस माया रूपी धारिणी विद्या से पाप मल की वृद्धि होती है और बुद्धि कमल बिना खिले हुए मुरझा जाता है। एवं शिक्षा के दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किताबी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। ऐसी शिक्षा से दूसरा उद्देश्य भी पूर्णतया पूरा नहीं होता। पदों की रटंत पर पूरा बल लगाया जाता है, पदार्थ बोध यथार्थ में नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं कि आधुनिक यूनिवर्सिटी शिक्षा पद्धति कितनी दोषपूर्ण है। यह शिक्षा पद्धति वह है जो कि शिक्षा के तीनों उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य को सच्चे अर्थ में पूर्ण नहीं करती। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित की थी वह विवेकपूर्वक है और वही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले हैं। वह शिक्षा प्रणाली कैसी है उसे मैं ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर ही बताना चाहूँगा, जिससे कि विद्वान लोग उस पर अधिकाधिक विचार करते हुए विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाएं। शिक्षा का महत्व केवल विद्वता में नहीं है, प्रत्युत सदाचार से है। एक बड़ा भारी विद्वान प्रत्येक दार्शनिक विषयों को भली प्रकार समझाने की योग्यता रखने वाला यदि अपने आचार द्वारा प्रभाव नहीं डाल सकता तो उसकी समस्त विद्वता लोगों के लिए व्यर्थ और उसके लिए भार स्वरूप है। उसके विरुद्ध एक साधारण विद्वान जो अपने आचार द्वारा यह सिखा सकता है कि श्रेय और हेय मार्ग क्या है, संसार का बड़ा उपकार कर सकता है। अतएव शिक्षा पूर्ण तभी है जबकि विद्वता के साथ साथ चरित्र संगठन का भी बल हो। वही शिक्षा संस्था वस्तुतः लोकोपयोगी संस्था है जहाँ पर इस प्रकार का प्रबंध हो। गुरुकुल इस प्रकार की संस्थाओं में से है। वहाँ विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कराते हुए विद्या की प्राप्ति कराई जाती है। वृक्ष की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता उसके फल द्वारा निश्चित की जाती है। गुरुकुल के निकले स्नातकों में से कईयों ने यह दिखला दिया है कि उनकी शिक्षादात्री संस्था सचमुच देश के एक आवश्यक अंग की पूर्ति कर रही है। यह ठीक है कि बहुत से लोग इससे निराश हो गए हैं, परंतु उसका कारण यह है कि कार्य आरंभ करते ही लोग बड़े बड़े फल की इच्छा करने लग जाते हैं। उन
बड़े लोगों ने आशा की थी कि गुरुकुल के कणाद और गौतम निकलेंगे, परंतु यह ध्यान नहीं दिया कि इतने दिनों की बिगड़ी हुई परिपाटी एकदम कैसे सुधर सकती है। आखिर वे बालक जो गुरुकुल में प्रविष्ट हुए हैं उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने नियम पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है, और उनके पढ़ाने वाले किसी गुरुकुल के नहीं प्रत्युत कॉलेज के निकले हुए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के वातावरण से बाहर नहीं हैं। धैर्यपूर्वक स्वामी जी के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करते चलें और आशा है अवश्य सफलता प्राप्त होगी, और किसी न किसी समय वह दिन भी देखेंगे देखने में आएगा जिसकी सबको प्रतीक्षा है। ईश्वर वह दिन जरूर लेके आए। आर्यों का कर्तव्य यह वृक्ष अमर स्वामी श्रद्धानंद के हाथों से लगाया हुआ है और उन्हीं के रुधिर से सींचा हुआ है। ऐसे अद्भुत वृक्ष की वर्षों तक जिस तरह की तपस्या के माध्यम से ये वट वृक्ष आर्य जाति को जागृत करने के लिए, उसमें प्राण फूंकने के लिए दोबारा से लगाया गया है, तो उसको और ज़्यादा तेजी के साथ हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्य जाति से मैं केवल दो प्रणों की अभ्यर्थना का या प्रार्थना करता हूँ। एक तो यह है कि अपने आचार्य ऋषि दयानंद की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उस जाति का प्रत्येक व्यक्ति अपने संतानों को गुरुकुल के वृक्ष के ही नीचे बैठाना अपना कर्तव्य समझे, और दूसरा उस वृक्ष के सींचने में तन मन और धन किसी की कमी न रखें। ऐसा न हो कि आर्य जाति की असावधानता से अमर श्रद्धानंद का लगाया हुआ यह भारत पावक वृक्ष कभी मुरझाकर सूख जावे और फिर पीछे पछताकर सिर नीचा करके सबसे यह सुनना पड़े कि अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः हे आर्य जाति के वीरो उठो, कमर कस के तैयार हो, अब अधिक प्रतीक्षा का काल नहीं रहा है और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना में आपको और हमको मिल करके पूरी ताकत लगानी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस पौधे को लगाया अपने सामने, महर्षि दयानंद को अपना आदर्श रख करके उस पौधे को हमें सींचना है, उस शिक्षा प्रणाली को हमें आगे लेकर के जाना है, और वर्तमान समय में पूरे देश में ही नहीं पूरे संसार में जो एक निराशावादी माहौल है उसको तोड़ने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।